नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस। मंगलवार को नागपुर जिले में 44 कोरोना पॉजिटिव, नागपुर वासियों को फिर बरतनी होगी सावधानी। चाचा भतीजे ने युवक को उतारा मौत के घाट, घूर के देखा तो की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। और गुटखा तंबाकू व्यापारी के घर पर पुलिस ने मारा छापा, 1 करोड़ का गुटखा और तंबाकू किया जब्त। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर जिले के नागरिकों को कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर अब और अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आज नागपुर जिले में पॉजिटिव पाए गए मरीजों के आंकड़े में फिर बड़ा उछाल देखा गया है। मंगलवार को नागपुर जिले में कुल 44 मरीज कोरोना पॉजिटिव सामने आए। इसमें नागपुर शहर में 34, ग्रामीण क्षेत्र में 3 तथा नागपुर जिले के बाहर के 7 मरीजों का समावेश है। देश भर में जहां ओमिक्रॉन अपने पैर पसारता नजर आ रहा है, वहीं कोरोना वायरस के मामले में नागपुर सहित महाराष्ट्र में भी बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। सोमवार को नागपुर जिले में जहां 12 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले थे, वहीं आज मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव की संख्या में बड़ा उछाल आया। मंगलवार को नागपुर जिले में कुल 44 मरीज कोरोना पॉजिटिव सामने आए। इसमें नागपुर शहर में 34, ग्रामीण क्षेत्र में 3 तथा नागपुर जिले के बाहर के 7 मरीजों का समावेश है। वहीं स्वस्थ होकर घर लौटे मरीजों की संख्या केवल एक ही पर सिमट गई। मंगलवार को कुल 3,986 मरीजों की कोरोना जांच की गई, जिनमें 44 पॉजिटिव मरीज पाए गए। अब जरूरत है कि हम और आप सावधान हो जाए। सभी से अनुरोध है कि मास्क का जरूर उपयोग करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग नियमों एवं प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करें। घूर के देखने पर युवक की हत्या किए जाने का मामला सदर पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया है। चाचा भतीजे ने एक 25 वर्षीय युवक को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस ने हत्या के कुछ घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उपराजधानी नागपुर में हत्याओं का सिलसिला जारी है। सदर पुलिस थाना अंतर्गत सोमवार की रात एक हत्या का मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की रात 25 वर्षीय मृतक अनिकेत तांबे, उसका भाई आयुष तांबे और उनका मित्र दीपेश भुर्रेवार ये गौतम नगर गड्डी गोदाम यहाँ कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए गए, जिस दरमियान आरोपी भूषण सोमकुवर से उनका घूर के देखने जैसे मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। लेकिन उस वक्त वहां उपस्थित लोगों ने बीच बचाव किया, जिसके बाद वो लोग वहां से चले गए। लेकिन फिर आधी रात को लोग फिर से मिले और वहां उनका उसी बात को लेकर फिर विवाद हुआ। जिस बीच आरोपी भूषण सोमकुवर के भतीजे जय सोमकुवर ने अपने पास रखा चाकू निकाला और आरोपी के गले पर उससे वार किया। चाकू के वार से मृतक नीचे गिर पड़ा और वही आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस ने बड़ी ही चतुराई से कार्यवाही कर मानकापुर से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक चे नाव आहे अनिकेत तांबे, वय 25 वर्ष, राहणार खलाशी लाईन मोहन नगर। हे काल रात्री त्याचा चुलत भाऊ आयुष तांबे आणि त्यांचा मित्र दीपेश भुर्रेवार यांच्यासोबत हे गौतम नगर गड्डे गोदाम या ठिकाणी रात्री 11 वाजता कोल्ड्रिंक प्यायला गेले होते। त्याच ठिकाणी आरोपी भूषण सोमकुवर हा बसून होता। यांच्या तेथे घोरवण पाहण्याच्या कारणावरून किरकोळ वाद झाला। तेथील जे हजर काही लोकांनी त्यांचा वाद सोडवला, हे तिघही परत गेले। पुन्हा मग रात्री 12:15 वाजताच्या सुमारास तिघही पुन्हा तिथे परत आले आणि घटनास्थळी भूषण सोमकुवर आणि त्याच्या पुतण्या जय सोमकुवर हे दोघे बसून होते आणि पूर्वी झाल्याच्या वादावरून त्यांच्यात पुन्हा वाद निर्माण झाला आणि या वादामध्ये जय सोमकुवर याने त्याच्या जवळील चाकूने अनिकेत तांबे याच्या गळ्यावर एक घाव मारून त्याला जखमी केले। अनिकेत तांबे तिथे खाली पडल्यानंतर आरोपी तिथून पळून गेले। तसेच त्याच्यासोबत जे त्याचे दोन सोबती होते आयुष तांबे आणि दीपेश भुर्रेवार हे सुद्धा तिथून पळून गेले। पळून जाऊन त्यांनी जखमीच्या घरी माहिती दिली आणि मग जखमीचे नाते तिथे घटनास्थळी आले। त्यांनी जखमीला घेऊन विम्स हॉस्पिटल इथे उपचारकामी नेले।
डॉक्टरांनी तिथे तपासून त्याला मृत घोषित केले. परिमंडल 3 के डीसीपी गजानन राजमाने को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर पांचपौली पुलिस ने गुटखा और तंबाकू विक्रेता के घर पर छापा मारा. उसकी निशानदेही पर सोमवार की रात पुलिस ने मौदा स्थित गोदाम पर भी छापा मारा और 1 करोड़ रुपए का गुटखा और तंबाकू जब्त किया. बीते शनिवार को पुलिस को जानकारी मिली थी कि पांचपौली थाना क्षेत्र में रहने वाला रियाज बड़े पैमाने पर तंबाकू और गुटखा बेच रहा है. उन्होंने पांचपौली पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए. रियाज के घर पर लाखों रुपए का माल बरामद हुआ. उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर पता चला कि वह सुनील जुनेजा से माल खरीदता है. सुनील और हिमांशु भद्र का गोदाम मौदा थाना क्षेत्र में है. रियाज से मिली जानकारी के अनुसार पांचपौली पुलिस ने मौदा पुलिस और FDA के अधिकारियों के साथ मिलकर सावली फाटा परिसर में स्थित गोदाम पर छापा मारा. गोदाम के सामने ही पुलिस को एक ट्रक दिखाई दिया. ट्रक की जांच करने पर सुगंधित तंबाकू के बोरे लदे थे. इसके बाद गोदाम का ताला तोड़ा गया. भीतर भी भारी मात्रा में गुटखा और तंबाकू रखी हुई थी जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का पता चला. ये बताया जाता है कि सुनील जुनेजा क्रिकेट सट्टे के धंधे में भी लिप्त है. हिमांशु भद्र के साथ मिलकर वह तंबाकू का व्यापार करता है. मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से बड़े पैमाने पर तंबाकू और गुटखे की तस्करी की जाती है. पुलिस के छापे की जानकारी मिलने के बाद से जुनेजा और भद्र अंडरग्राउंड हो गए हैं. पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है. शहर में तस्करी कर माल बेचने वाले अन्य राज्यों के व्यापारियों पर भी पुलिस शिकंजा कसने वाली है. आदरणीय CP सरांच्या आदेशानुसार जे अवैध गुटखा सुगंधित तंबाखू आहे यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश होते त्याच्या अनुषंगाने माननीय DCP सर राजमाने सर यांना गोपनीय माहिती मिळाली होती की पाचपौलीच्या हद्दीत ताजनगर परिसरामध्ये एक इसम असं सुगंधित तंबाखू चोरून विकत आहे म्हणून गुटखा आणि तंबाखू. आम्ही पाचपावलीची टीम DB टीम दोन टीम आणि DCP सरांचा स्कॉड असं मिळून एकत्रितरित्या ती कारवाई केलेली आहे. आणि त्यात जो आरोपी आहे रियाजुद्दीन निजामुद्दीन अन्सारी वय 44 राहणार टेका ताजनगर याचे घरी रेड केली होती तर तिथेसुद्धा आम्हाला सुगंधित तंबाखू आणि गुटखा वगैरे मिळून आला होता. तर आम्ही FDAला पत्रव्यवहार केला होता परंतु शनिवार रविवार सुट्टी असल्यामुळे त्यांचे अधिकारी उपलब्ध होऊ शकले नाही. काल त्यांचे अधिकारी इथे आम्हाला उपलब्ध झालेत आणि त्यांनी पंचनामा करून तो सगळा माल आम्ही सीज केला. सदरचा जो आरोपी आहे त्याला त्या गुन्ह्यामध्ये गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली आणि त्याला चौकशी केली त्याच्याकडे तपासादरम्यान की हा जो मुद्देमाल आहे तो कुठून आणलेला आहे. तर त्यात त्यांनी सांगितलं की आरोपी सुनील जुनेजा याचं पोलीस स्टेशन मदा हद्दीमध्ये गोडाऊन आहे तिथून तो माल त्यांनी आणलेला आहे असे त्यांनी माहिती दिली. त्याच्या अनुषंगाने मग आम्ही संपूर्ण टीमसह तिथे त्या गोडाऊनवर छापा घातला आणि त्या रेडमध्ये आम्हाला तिथे भरपूर मोठ्या प्रमाणात सुगंधित तंबाखू आणि त्याचा जो गुटखाचा वगैरे मुद्देमाल आहे तो मिळून आला. त्यामध्ये प्रामुख्याने रिमझिम नावाचा सुगंधित तंबाखू आहे. त्यानंतर जनम नावाचा एक तंबाखू आहे. गुटखा सितार जाफरानी जर्दा करमचंद असे विमल असे वेगवेगळ्या प्रकारचे परत सुगंधित तंबाखू गोल्डन युग सुगंधित तंबाखू क्रेज सुगंधित तंबाखू ईगल हुक्का शिशा हुक्क्यामध्ये जो सुगंधित तंबाखू वापरला जातो जो प्रतिबंधित आहे तोसुद्धा याच्यामध्ये मिळून आलेला आहे. आणि असा एकूण टोटल आम्ही 94,74,340 रुपयाचा गुटखा आणि सुगंधित तंबाखू जप्त केलेला आहे त्या गोडाऊनमधून. आणि त्याचप्रमाणे दोन वाहनंसुद्धा आहे त्याच्यामध्ये एक इनोवा कार आहे आणि एक 407. नागपूर में थंड फिर से बढ़ गई. वही मंगलवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए थे और शाम को 6 बजे के करीब शहर में जमकर आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश हुई. अचानक आई बारिश से लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा. नागपुर शहर में मंगलवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए थे. चारों ओर कोहरा छाया था
जिस कारण मौसम भी ठंडा था। वहीं शाम को अचानक बारिश का मौसम बन गया और शाम 6 बजे के करीब जोरदार बारिश चालू हो गई। ऐसे में ऑफिस से घर लौटने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। फसल की सुरक्षा करने का आह्वान कृषि विभाग ने पहले ही किसानों से किया था। नागपुर समेत संपूर्ण विदर्भ में ठंड ने फिर जोर पकड़ा है। आने वाले एक दो दिन भी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने दर्शाई है। वहीं मंगलवार शाम को कलमेश्वर परिसर में जोरदार बारिश के साथ ओले गिरे, जिस कारण फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वहीं रामटेक विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशीष जायसवाल ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से धान उत्पादक किसानों को बोनस नहीं मिला है। साथ ही सरकारी खरीदी केंद्र पर जो रकम किसानों को बोनस के रूप में मिलती थी वो भी नहीं दी गई, इसलिए विधायकों ने ये मुद्दा उठाया था, जिस पर राज्य सरकार द्वारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने आश्वस्त करते हुए कहा कि बोनस की रकम सीधे किसानों के खाते में जमा की जाएगी। प्रत्येक वर्षी विदर्भाच्या आणि राज्यातील जे धान उत्पादक शेतकरी आहेत त्यांना शासनाच्या वतीने जे हमी भावात खरेदी होते त्याच्यावर बोनस दिला जात होता। 2019 नवीन सरकार आल्यानंतर 500 रुपये बोनस होता, मागील वर्षी 700 रुपये बोनस होतं, परंतु यावर्षी बोनस जाहीर झाला नव्हता। हा विषय सभागृहात मी व सर्व आमदारांनी आम्ही उपस्थित केला आणि राज्य शासनाच्या वतीने माननीय उपमुख्यमंत्री अजित पवार साहेब यांनी सभागृहाला आश्वस्त केलं की यावर्षी धानाला जरी बोनस जाहीर झाला नाही, परंतु जी बोनसची रक्कम आहे ती रक्कम आम्ही शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये थेट DBT सारखं त्यांच्या खात्यामध्ये हस्तांतरित करू। खरेदीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये काही भागात गैरव्यवहार होत होता, आमची देखील ही मागणी होती की गैरव्यवहार थांबला पाहिजे, कारण की दुसऱ्या राज्याचा धान हा आपल्या राज्यात येऊन त्याचा बोनस तर भुर्दंड सरकारवर बसू नये, परंतु हा निर्णय माननीय उपमुख्यमंत्री अजित पवारसाहेब यांनी आज जाहीर केलं की धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागे सरकार उभं आहे, हे सर्व आमच्या लोकप्रतिनिधींच्या मागणीवर माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी असं आश्वासन दिलं आहे की लवकरच या संदर्भामध्ये निर्णय करून जे काही मागील वर्षी 1,114.78 कोटी रुपये धान उत्पादक शेतकऱ्यांना 700 रुपये प्रति क्विंटल बोनसच्या रूपात वाटप करण्यात आले होते ती रक्कम यावर्षी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये आम्ही वर्ग करू, अशा पद्धतीचं आश्वासन आज सभागृहात माननीय वित्तमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवारसाहेब यांनी दिलेलं आहे। वड़ी में पिछले कुछ दिनों से डिजिटल वाटर के घातक हमले शुरू है, जिससे शहर में खलबली मची है। 3 दिन में 3 घटनाएं होने से शहर में खलबली मची है। वड़ी के मोमिनपुरा परिसर में बीते 3 दिन से अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाबालिग बालक पर बैटरी के अंदर के घटक डिजिटल वाटर डालकर जख्मी करने की घटनाएं सामने आ रही है। ऐसे में वड़ी शहर में खलबली मची है। वड़ी के हमीद चौक में रहने वाले बच्चों पर ही हमले किए जा रहे हैं। इस मामले में पीड़ित बच्चे के पिता ने वड़ी पुलिस थाने में शिकायत की है और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस घटना की आगे की जांच पुलिस कर रही है। या प्रकरणी स्थानिक पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार SDPO यांच्याशी मी चर्चा केली। परवा शनिवारी, काल रविवारी आणि आज लागोपाठ त्याच परिसरामध्ये कुणी दुचाकीवरून काही युवक येत आहेत,
आणि लहान मुलांवर तो जो काही ॲसिड सदृश किंवा जे केमिकल आहे किंवा लिक्विड आहे हे टाकलं जातं आहे, ह्या लागोपाठ 3 घटना घडलेल्या आहेत. परंतु परवाच्या आणि कालच्या घटनेमध्ये कोणत्याही प्रकारची जखम किंवा कोणत्याही प्रकारचे व्रण त्या लिक्विडमुळे दिसून आलेले नाहीत. परंतु आज डॉक्टरांनी तपासणी केली असता डॉक्टरांनी त्या बर्न इंजुरी नाही आहेत किंवा ॲसिडच्या ज्या जखम असतात तशा त्या नाही आहेत, परंतु ज्या स्किनवर ॲब्रेजनसारखे जे रिमार्क्स उमटलेले दिसत आहेत तर ते बरे होण्यासाठी 1-8 दिवसाचा कालावधी लागेल असं इंजुरी सर्टिफिकेट दिलेलं आहे. आणि त्याप्रमाणे आता वणी पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात येत आहे आणि CCTV फुटेज आणि त्या परिसरातले जे आय विटनेसेस आहेत यांच्याद्वारे हे आरोपी कोण आहेत, हे वाहन कोणतं आहे, कोणत्या उद्देशाने ते आलेले आहेत याबद्दलचा सखोल आणि सविस्तर तपास करण्यात येत आहे. उम्र के 13वें वर्ष में ही अंकुश ने अपनी परिवार की जिम्मेदारी संभाली. अंकुश सब्जी भाजी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर खुद के शिक्षा का खर्च भी उठाता है. घर की परिस्थिति कमजोर रहने के साथ ही पिता अल्पभूधारक किसान है. ऐसे में परिवार का पालन पोषण करने की सिर्फ 13 साल की उम्र में अंकुश राजू आड़े ने जिम्मेदारी संभाल ली है. स्कूल से घर आने के बाद शाम को गांव में घूमकर अंकुश सब्जी भाजी बेचता है और उससे मिलने वाले पैसे से अपने भाई बहन के शिक्षा का खर्च उठाता है, बल्कि घर खर्च को भी पैसे देता है. विशेषकर सब्जी भाजी बिक्री की उसकी स्टाइल चर्चा में है. तेरह साल की उम्र में ही अंकुश अपने माता पिता का सहारा बन गया है. शिक्षा के साथ साथ अंकुश सब्जी बेचता है. लोन पेहल से 12 किलोमीटर दूर आरनी से ऑटो से सब्जी मंडी से सुबह सुबह सब्जी भाजी लाता है. अंकुश के इस कार्य से चारों ओर उसकी सराहना की जा रही है. मी का सकाळी 4 उठतो, आंघोळ पाणी करतो सर, उदबत्ती गिदबत्ती लावून मग 6 जातो सर, 6 गेलो, 7 बस 7 बस मध्ये जातो सर, 7 बस मध्ये जाऊन मंडीत पोहोचतो. मंडीतून नाही का सर भाजीपाला आणतो, भाजीपाला आणून सन्या घरी लावून सन्या मग शाळेत जातो सर, 10 शाळेतून आलो सर मग भाजीपाला विकायला जातो. माया 1,000-2,000 असं होते सर धंदा, त्याच्यात घर पाणी घरचा खर्च गिरच आणि बहिणीची जे शाळेची फी आहे सर ते देतो मी सर. सर माया घरी 2 शेती आहे सर, म्या बाप या वर्षी आम्हाला काही पीक नाही झाली, बाबा पिऊन पडून राहते, घरात धिंगा मस्ती करते सर म्हणून हे मला करा लागलं. मुंबई में शुरू शीत सत्र में गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद अग्रवाल ने किसानों को धान खरीदी मामले में बोनस देने की मांग की थी. इस पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा विचार कर किसानों को बोनस देने की बात कही गई, ऐसी जानकारी विधायक विनोद अग्रवाल ने दी. पूर्व विदर्भातील जे धान उत्पादक शेतकरी आहे त्यांना सातत्याने मागील 7 वर्षापासून राज्य सरकारकडून जी हमी केंद्रावर धान विकत होते त्यांना बोनस मिळत होता. मागील 2 वर्षापासून हा प्रति क्विंटल 700 रुपये बोनस मिळत होता, परंतु यावेळेस बोनस मिळेल की नाही या बाबतीमध्ये शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये संभ्रम होता आणि फार मोठी नाराजी शेतकऱ्यांमध्ये होती. आज आम्ही आमचे सर्व आमदार जे धान उत्पादक भागातील आहेत यांनी सातत्याने ही मागणी सभागृहामध्ये आम्ही रेटून धरली आणि राज्य शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून माननीय वित्तमंत्री उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी आम्हाला आश्वस्त केलं आहे की येणाऱ्या कॅबिनेट बैठकमध्ये डायरेक्ट सरसकट सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे वाढती करण्यासंदर्भाचा निर्णय घेण्यात येईल
आणि याबद्दल मी राज्य शासनाचे अभिनंदन करतो आणि निश्चित रूपाने एक जी न्याय मागणी होती आणि यामध्ये जो काही थोडाफारपणामध्ये बोगसपणा होता तो दूर होऊन आता सर्व शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल अशी आम्हाला पूर्ण आशा आहे। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।